नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं श्री सिद्धा देवी दरबार। सिद्धा देवी दरबार कौन है? ये माता पार्वती हैं। जैसे सिद्धनाथ मंदिर आपने दर्शन किए जो ये जाजमऊ की सीरीज़ में, वहाँ पे सिद्धनाथ मंदिर भगवान शिव जी का मंदिर है और सिद्धा देवी माता पार्वती के रूप में ही यहाँ विराजमान है। बोला जाता है यहाँ पर भी जो मूर्ति प्रकट हुई थी वो स्वयंभू थी, अब उसकी उनकी जगह दूसरी मूर्ति यहाँ पर स्थापित हुई है। अगर हो सकेगा तो पंडित जी से बात करूँगा, अगर वो आना चाहेंगे वीडियो में तो मैं दिखाऊंगा और आपके जितने प्रश्न मेरे खुद के रहेंगे वो मैं पूछने का प्रयास करूंगा और सारा इतिहास जानने का प्रयास करेंगे। चलते हैं अंदर और आपको दर्शन कराते हैं दरबार के। ओम नमः शिवाय, जय माता दी। माता का द्वार, श्री माता सिद्धा देवी दरबार, पीताम्बरा माता मंदिर। जय हो प्रभु, जय जय माता दी। सो चलिए चलते हैं अंदर, आपको दर्शन कराते हैं माता के। चलिए चलते, जय माता जी, जय हो प्रभु। यहाँ पे पीने के लिए पानी भी है और पहले माता के दर्शन करते हैं। सो माता से पहले जो प्रथम यहाँ पे प्रकट हुई थी माँ, उनके दर्शन करते हैं। तो जो स्वयंभू धरती से प्रकट हुई थी माता, उनकी यहाँ पे मूर्ति रखी हुई है क्योंकि थोड़ी सी खंडित हो गई बताया जा रहा है, हम पता करेंगे। जी अरे माता जी, जय माता जी, जय हो प्रभु, जय माँ। अब चलते हैं माता के ही मंदिर के समीप और वहाँ पे चल के माता के दर्शन करते हैं। जय माता जी। माता श्री सिद्धा देवी जी के मंदिर का जीर्णोद्धार, इस पर सन नहीं लिखा है, अच्छा 2008 को संपन्न करवाया गया था, अब 4 अक्टूबर 2008 को। जय हो, जय माता दी, जय माँ, माँ श्री सिद्धा देवी, जय माता दी, जय माता। सो यहाँ पे माता सिद्धा देवी के दर्शन ये, जय माँ सिद्धा देवी, जय माता दी। यहाँ पे माँ आदिशक्ति माँ दुर्गा जी के दर्शन होते हैं आपको, जय माता दी। और यहाँ पे दर्शन होते हैं आपको श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के, जय नारायण भगवान, जय लक्ष्मी माता, जय हो, जय हो, जय। सो माता के दर्शन कर लिए, अब माता के जो मंदिर है यहाँ का, यहाँ की परिक्रमा कर लेते हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माँ, माँ श्री सिद्धा देवी जी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, माँ श्री सिद्धा देवी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माँ, जय माँ, जय माता दी। सो यहाँ पे हमारे साथ आंटी जी हैं जो यहाँ पे भगवान जी की देख रेख करती हैं और सो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस मंदिर की महानता को। आंटी जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम रमा मिश्रा है, मैं यहाँ सिद्धा देवी मंदिर की निवास और पुजारी भी हूँ हम लोग। और मैं आज कई वर्षों से, मतलब आज नहीं है, हजारों वर्षों से हमारी 5-6 पीढ़ी पे हमारे यहाँ लोग यहीं पर रह रहे हैं। ये आपका ये बगल में घर है ना? जी हमारा गुलाबी वाला मकान है, ये भी है जी। आप अगर जैसे कि इस मंदिर के बारे में कुछ महानता के बारे में बताना चाहें, इतिहास के बारे में। जी यहाँ पर राजा यात का टीला था, बाबा सिद्धनाथ यहाँ से जंगल में प्रकट हुए थे बाबा, तब गाय उनको दूध दे रही थी, फिर ये बोलते हैं कि वहाँ पर दर्शन होने लगे, फिर माता सिद्धा देवी का भी ऐसे ही यहाँ का जन्म हुआ, हमारी माता का नीचे से प्रकट हुई माता जी। ये नीचे से प्रकट हुई माँ सिद्धा देवी हमारी, और कहते हैं कि बाबा सिद्धनाथ के दर्शन करने से और माता का सिद्धा देवी का दोनों का दर्शन करने से मनोकामना जल्दी पूरी होती है, इसलिए यहाँ पर भक्त सब आते रहते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। जैसे कि आपने भी बताया था कि वहाँ पीछे साइड पे एक मूर्ति रखी हुई है, वो मूर्ति स्वयंभू प्रकट थी और यहाँ पे बाद में स्थापित की गई मूर्ति है? नहीं स्थापित तो नहीं हुई है भैया जी, इनका नाम ही रखा गया सिद्धा देवी। हाँ ये सिद्धा देवी ही प्रकट हुई थी माता यहीं। और जो वहाँ पे पीछे आपने मूर्ति दिखाई थी वो माता जी की आज भी स्थापित है, शिला सिद्धा देवी माता की।
और उनकी कृपा से सबके मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं और बहुत प्रसिद्ध है, प्राचीन है माता हमारी। शुक्रिया शुक्रिया। पुजारी जी पूजन करते हैं, हम माता का पुजारी जी करते हैं हम लोग हैं। शुक्रिया शुक्रिया। सो ये था इस मंदिर का इतिहास। सो चलिए अब यहाँ पे इस दरबार में जितने भी मंदिर हैं उन सबके दर्शन करते चलते हैं। जय माता दी, जय माँ। यहाँ पे माता के दर्शन के बाद आपको माँ संतोषी देवी जी के दर्शन होते हैं। चलिए माँ संतोषी जी के मंदिर के दर्शन करते हैं। माता के मंदिर के समीप ही आपको माँ संतोषी माता जी के दर्शन होते हैं। चलिए माँ संतोषी जी के मंदिर दर्शन करते हैं। जय माँ संतोषी, सबको संतोष प्रदान करिए। जय माता दी, जय माँ संतोषी, जय माँ संतोषी। और यहाँ पे यज्ञशाला है, मतलब बहुत ही बड़ा यज्ञशाला है। जय हो प्रभु, जय हो। और यहाँ पे समीप ही आपको काल भैरव के दर्शन होते हैं। तो चलिए चलते हैं बाबा भैरवनाथ के दर्शन करते हैं। जय भैरव बाबा, जय भैरव बाबा। जय भैरव बाबा, जय भैरवनाथ, जय भैरव बाबा, जय भैरव बाबा, जय भोले बाबा, जय भोले बाबा, जय बजरंग भोले बाबा, जय। यहाँ पर माता के दर्शन होते हैं आपको। जय माँ, जय माता दी, जय माता दी, जय हो प्रभु, जय हो। बहुत सारी पोटलियाँ बनी हुई हैं जो कि नारियल के साथ बांधी गई हैं। इसके पीछे का मतलब रीज़न जानते हैं। अभी जो आंटी जी थी उनसे जानने का प्रयास करते हैं, जो पुजारी हैं यहाँ की। अभी आंटी जी से बात हुई, आंटी ने बताया कि ये जो नारियल बंधे गए हैं ये मनोकामना नारियल हैं, कि लोग मनोकामना अगर मांगते हैं सो मंत्र से इनको मतलब पूजा करके यहाँ पे बांध देते हैं लोग, और जब उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो लोग इन नारियल को खोलते हैं, अपने नारियल को या जो भी नारियल उनको मिलता है, किसी एक नारियल को खोलना होता है और जाके गंगा माता जी में प्रवाह कर देते हैं। जय माता दी, जय माता दी। सो ये थे इस मंदिर का संपूर्ण दर्शन। आपको दर्शन करके कैसा लगा मुझे कमेंट से वो बताइएगा। सियावर रामचंद्र जी की जय। ओम नमः शिवाय। जय माता दी, जय सिद्धा माता।